Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 6 from exercise 2.5, page number 49 from NCERT. This says, write the following cubes in expanded form. हमें cubes को expanded form में लिखना है. So, हमारे पास cubes के लिए formula identity होती है, a plus b whole cube. जैसे कि यहाँ पर ये a है, ये b है, बेशन plus है, तो हम लगाएंगे a plus b whole cube. ये होता है a cube plus b cube. प्लस 3ab यूज कर सो यहाँ पर जो ये चीज है दिस इज ए एंड दिस इज बी सो ए प्लस बी होल क्यूब के लिए ए क्यूब का लिमिट होगा 3/2x का होल क्यूब प्लस बी की जगह पे 1 है लेकिन ये 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है 3 into a into b ए की जगह पर हमारे पास है 3/2x और b की जगह पर है 1 तो ब्रैकेट में a प्लस बी ए है 3/2x और b है 1 सो 3/2x अगर हम होल क्यूब करें तो 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 3 27 27 x का क्यूब करेंगे तो आएगा x क्यूब और 2 का क्यूब होगा तो 2 2 4 4 2 8 8 सो जो जो भी अंदर लिखा है पूरे का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होता है 1 प्लस ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है 3 into 3/2x into 1 तो पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 into 1 9 साथ में आया x नीचे कुछ नहीं है सिर्फ 2 ब्रैकेट में 3/2x + 1 सो 27x³/8 आंसर लिखेंगे प्लस 1 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 होता है 27 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4 प्लस 9x/2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा 9x/2 सो दिस इज द आंसर सेम केस हमारे पास अगर नेगेटिव की आइडेंटिटी होती जैसे ये a है ये b है बीच में माइनस साइन तो हम यूज करते हैं a माइनस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस उस केस में हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है a माइनस बी होल क्यूब के लिए a क्यूब का मतलब हुआ x का क्यूब माइनस माइनस लगाया b का क्यूब मतलब 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 into a है x b है 2/3y ब्रैकेट में a माइनस b मतलब x माइनस 2/3y जो 3ab दिस ये मल्टीप्लीकेशन है 3 into x into 2y a माइनस बी हमने एज इट इज यहाँ से बात की अब x का क्यूब करेंगे तो आएगा x क्यूब 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 y का क्यूब करेंगे तो आएगा y क्यूब 3 का क्यूब करेंगे तो आया 27 3 3 9 9 3 27 अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है तीनों के बीच में तो अगर हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास बचता है 2 into x into y नेगेटिव साइन बाहर है तो 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y x क्यूब माइनस 8y³/27 2xy को x से मल्टीप्लाई करा तो बनेगा 2 x x मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा x स्क्वायर साथ में y माइनस माइनस इज प्लस अब 2xy नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 4 x यहाँ पर है नहीं तो x ऐसे ही आ जाएगा y को y से किया तो बना y स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ से 1 into 3 किया तो यहाँ आया 3 फाइनल आंसर इज x क्यूब माइनस 8y³/27 माइनस 2x² प्लस 4xy²/3 सेम थिंग सो जब इसको एक्सपांड करते हैं मेक श्योर कि आपके साइड में आइडेंटिटी मेंशन करनी है सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस गुड बाय